ओंकार पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नमस्कार, स्वागत है आपका आज के एक विशेष कार्यक्रम आज के गुडलक में है। मैं आपका रोज की तरह आपके साथ हूँ आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य। आपको आज नक्षत्रों से संबंधित जानकारी देंगे, क्या कर रहे हैं ग्रह आपके जीवन में, कैसे आपके जीवन में बदलाव होने जा रहा है, ग्रहों का परिवर्तन क्या कुछ आपके साथ करने वाला है और बहुत सारी और बातें। क्या आपके धर्म के अंदर कौन कौन सी विचित्र बातें हैं जो हमारे जीवन को उत्कृष्टता की तरफ ले जाने का प्रयास करती हैं और क्या क्या उनके वैज्ञानिक सिद्धांत हैं, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे और साथ साथ आपकी राशि में क्या हो रहा है हाल, क्या परिवर्तन आपके जीवन में करेगा खेल, ये सारी बातें आपके जीवन में आज के पंचांग के अनुसार भी बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग की। पंचांग के अनुसार शुक्रवार का दिन है और भाद्रपद मास चल रहा है। कृष्ण पक्ष आज विराजमान है और आज है अजा एकादशी का व्रत। सुबह 7:44 तक ही एकादशी है, परंतु उसके बाद द्वादशी आ जाएगी, परंतु एकादशी का महत्व आज ही है और आज की एकादशी बेहद खास है। पूर्व जन्म में भी अनेक प्रकार के यदि किसी से कोई गलत काम हो गए, दुष्कर्म हो गए हैं, उन सब से निवृत्ति का मार्ग, उन सब बाधाओं से मुक्ति का मार्ग आज के व्रत से प्राप्त हो सकता है। राजा हरिश्चंद्र ने भी इस व्रत को करके अपनी बिगड़ी संवारने का प्रयास किया था और अपने जीवन को कल्याण की तरफ अग्रसित किया था। तो आज आप भी भगवान का स्मरण कर जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। बहुत सुंदर योग है, आज पुनर्वसु नक्षत्र विद्यमान है और साथ साथ उसके उपरांत करीब करीब शाम को 4 बजे के बाद पुष्य नक्षत्र का आगमन हो जाएगा। बड़ा महत्वपूर्ण योग है, आज गतिपात नाम का योग बना हुआ है और वो जो 10:05 तक विद्यमान रहेगा उसके उपरांत विरियान नाम का योग उपस्थित हो जाएगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि में संक्रमण कर रहे हैं और उसके बाद 10:19 के बाद मकर राशि में प्रवेश करेंगे। शुभ मुहूर्त की बात जान लेते हैं। आज का शुभ मुहूर्त 12:50 से लेकर 1:35 तक है, दोपहर के मध्याह्न के समय में। तो यदि कोई नया कार्य आरंभ करना है तो आज का शुभ योग का लाभ ले सकते हैं। राहुकाल भी नोट कर लीजिए, 10:52 से लेकर 12:26 तक राहुकाल विद्यमान रहेगा। तो उससे बचते हुए कार्य करने का प्रयास करें, आपके जीवन में मनोकामना सिद्धि के अद्भुत योग बनेंगे। आज एकादशी है और एकादशी के दिन भगवान का स्मरण करने से अद्भुत योग बन जाते हैं। बहुत मनोकामना सिद्धि के लिए भी अनेक उपाय शास्त्र में प्रशस्त हैं। कोई गुप्त मनोकामना है, बहुत दिन से पूर्ण नहीं हो रही है, तो आज के शुभ योग में एक ऐसा टोटका है जिसको करके आप अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। वटवृक्ष के 7 पत्ते ले लें। देखिए, छोटा सा नोट कर लीजिए, वटवृक्ष के 7 पत्ते लेकर 2 गांठ वाली हल्दी, जो हल्दी की जो गांठें हों जिसमें 2 गांठ लगी हों, ऐसी हल्दी लेकर और करीब करीब 1.5 गज काला कपड़ा लेकर उसमें लपेट लीजिए और भगवती काली का मंदिर जहां पर हो उनके चरणों में जाके समर्पित करें अपनी मनोकामना का ध्यान करते हुए। देखिए, लाभ प्राप्त होगा, ईश्वर की अनुकंपा से आपकी मनोकामना सिद्धि के रास्ते बनेंगे। आज शुक्रवार है और आज महालक्ष्मी की आराधना का दिन है। महालक्ष्मी की आराधना करने के लिए बहुत ही अनेक उपाय शास्त्र में विद्यमान है। महालक्ष्मी धन की ऐश्वर्य की देवी शास्त्र के अनुसार से कही जाती है। महालक्ष्मी का नियमित पूजन करने से जीवन में धन वैभव इत्यादि की कभी कमी नहीं होती और इसी भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए, संपूर्ण सुख को प्राप्त करने के लिए हमारे अनादि ऋषियों ने अनेक विधि विधान अर्चना के विधान हमारे शास्त्र में बताए हैं। तो आज मैं आपको वो शुक्र ग्रह को समर्पित करते हुए कुछ उपाय आपके समक्ष उपस्थित कर रहा हूँ जिनको आप करके अपने जीवन में शुक्र ग्रह को जागृत कर सकते हैं, महालक्ष्मी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। महालक्ष्मी सिर्फ धन की देवी नहीं, अपितु व्यक्तित्व के जीवन के अंदर आई अनेक मुश्किल मानसिक तनाव को भी हरने का काम करती है। शास्त्रों में आए देश जिसको श्री सूक्त कहा जाता है और साथ में लक्ष्मी सूक्त के नाम से भी बहुत विख्यात स्तोत्र है, जिसको आप नित्यपति करें तो आपके जीवन में अद्भुत योग बन जाते हैं। मंत्र इस प्रकार से, ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजस रजाम चंद्राम मृणमयीम लक्ष्मीम जातवेदो महावा। देखिए, अद्भुत मंत्र विज्ञान का चमत्कार है। ये भगवती महालक्ष्मी के मंत्र है जिनको श्री सूक्त के रूप में जाना जाता है। आप कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं, धन हानि हो लगातार हो रही है और यदि नित्यपति श्री सूक्त के मंत्रों का जप शुरू कर दें तो जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। एक और उपाय नोट कर लीजिए, शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए सबसे सस्ता और सबसे सरल उपाय है स्नान में थोड़े जल के अंदर नित्यपति जब भी आप स्नान करें उसमें गुलाब जल अवश्य मिला दें, फिर उसे स्नान करने का प्रयास करें। आज आपके साथ क्या होने वाला है आपकी राशि के अनुसार हम आपको बताने जा रहे हैं। मेष से लेकर मीन राशि वालों के जीवन में क्या कुछ चल रहा है उसका हाल, साथ साथ आपके मन में चल रहा है कोई प्रश्न तो तुरंत फोन उठाइए और नंबर नीचे आपके समक्ष चल रहे हैं व्हाट्सएप के नंबर, उन पर अपना मैसेज भेजिए, हम निदान देंगे आपको, आपकी परेशानी का हल देंगे। मेष राशि वालों,
आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा तो नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा ज्यादा मेहनत करने वाला दिखाई देता है, परंतु एक अच्छी बात यह है कि मेहनत यदि करेंगे तो सही फल जरूर प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो आलस्य मत रहिए, जागिए, मेहनत करने का प्रयास कीजिए, जीवन में कल्याण के योग बनेंगे। व्यापारियों को लाभ कमाने के लिए अच्छा अवसर दिखाई दे रहा है, मौके मिल सकते हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य के संबंध में थोड़ी कष्ट होते दिखाई दे रहे हैं, उपाय कर लीजिएगा, अपने आप कुछ ना कुछ रास्ता बनेगा। 8 अंक आपके लिए शुभ रहेगा, नीला रंग आपके लिए विशेष तौर पर शुभ है, आज एकादशी है, भगवान कृष्ण का पूजन कर लीजिए, समस्त कष्ट दूर होंगे। मेष के बाद बात कर लेते हैं वृक राशि वालों की। वृक राशि वालों, आज धन के संबंध में आज का दिन अच्छा रहता दिखाई दे रहा है आपके लिए। यदि आप कोई हाल में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने का प्रयास कर रहे हैं, वित्तीय फाइनेंशियल काम करने जा रहे हैं, तो उसका भुगतान आपको लगता है कि लाभ की तरफ ले जाता दिखाई दे रहा है। आज उच्च पद प्राप्त होने के योग दिखाई दे रहे हैं और साथ साथ वेतन वृद्धि में की प्रबल संभावना दिखाई देती है। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनती दिखाई दे रही है। 8 अंक आपके लिए बेहद शुभ रहेगा, काला रंग आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। गायत्री की एक माला का जप कर लीजिए, ओम भूर्भुवस्वः सर्वदा वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, कल्याण के अद्भुत योग बनेंगे। अगली राशि पर बात करें उससे पहले एक व्हाट्सअप ले लेते हैं, जो लगातार हमारे पास आए चले जा रहे हैं लोगों के व्हाट्सअप, हमने उसमें से एक व्हाट्सअप चुना। रांची से अवनीश जी का एक मैसेज आया है और उन्होंने लिखा है कि उनके हाथ में, वो पामिस्ट्री के संबंध में जानना चाहते हैं और कहते हैं कि उनका जो शुक्र का पर्वत है उस पर त्रिभुज, यानी एक त्रिभुज नाम आकृति बनी हुई है, त्रिभुज का निशान बना हुआ है, जानना चाहते हैं इसका अर्थ क्या है। हमारे हाथ में भी बहुत तरह के निशान होते हैं और जब कभी बन जाते हैं तो व्यक्ति देखता है तो मन में शंका उत्पन्न हो जाती है, अच्छा है या खराब है। चिंता मत कीजिए, आपके हाथ में जो त्रिभुज का निशान बना हुआ है शुक्र पर्वत पर, वो मधुरवाणी का प्रतीक है और कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति मधुरवाणी से बहुत अद्भुत लाभ ले सकता है। यदि मधुरवाणी का पूर्ण इस्तेमाल आप कर ले, यानी अपनी लीनियंसी का पूर्ण इस्तेमाल कर ले, तो आपके व्यक्तित्व में आकर्षकता बहुत अद्भुत बढ़ जाएगी। और विशेष तौर पर ऐसे व्यक्ति जिन पर इस प्रकार का चिन्ह होता है शुक्र पर्वत पर, अपने ऑपोजिट सेक्स के ऊपर दिल जीतने वाले होते हैं, यानी अपने सामने वाले व्यक्ति का दिल जीत सकते हैं और उससे बहुत बड़ा लाभ ले सकते हैं। तो ये आपके अंदर खास विशेषता है, इससे आपके रिश्तों में, व्यवसाय में नफा नुकसान अच्छे से आप समझ कर काम कर सकते हैं। अगला कदम उठाइए, जीवन में कल्याण भविष्य होगा। तो आपके मन में भी यदि आपके भी हाथ में कोई ऐसा चिन्ह है जो आपको परेशान कर रहा है और नहीं मिल रहा है निदान, तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, आकृति भेज सकते हैं और व्हाट्सअप के माध्यम से अपने हाथ की फोटो भी भेज सकते हैं, हम देंगे आपको आपकी परेशानी का हल निदान इसी कार्यक्रम के माध्यम से। मिथुन राशि वालों के साथ आज क्या कुछ होने के योग जान लीजिए। आज निजी जीवन में कुछ परेशानी आती दिखाई दे रही है, जीवन साथी के साथ कुछ संबंध थोड़े से खट्टे हो सकते हैं, परेशानी उत्पन्न हो सकती है। दूसरों की बातों में आकर पार्टनर पर शक मत कीजिएगा, इससे बचने का प्रयास कीजिए। यदि आपके विचार यदि उनको पसंद नहीं आते तो थोड़ा समझाने का प्रयास कीजिए, खुलकर बात करने का प्रयास कीजिए, देखिएगा काम का तनाव और घरेलू जो तनाव है उससे आपको निजात मिलेगी, अन्यथा सेहत नुकसान पहुंचा सकती है। 6 अंक आपके लिए शुभ है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है और चावल का दान करना आपके लिए अति कल्याणकारी है। कर्क राशि वालों, आज आपके साथ क्या कुछ होने के योग जान लीजिए। आज कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए अच्छा रहता दिखाई दे रहा है। आज व्यापार करते हैं तो उसमें अच्छे निवेश के अवसर आपको मिल सकते हैं जो भविष्य में आपको लाभ दे सकते हैं। आप अपने जीवन में जो काम करने जा रहे हैं उससे मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आज जो आप काम करेंगे उससे बेहतर परिणाम आपको मिलने की उम्मीद जाग सकती है। धन की स्थिति संतोषजनक रहेगी, अनावश्यक खर्चों से परंतु बचने का प्रयास कीजिए। 9 अंक आपके लिए शुभ रहेगा, यानी 9 नंबर इज वेरी लकी फॉर यू, और साथ साथ शुभ रंग जो है वो आपके लिए लाल है। दिव्यांग व्यक्ति कोई सामने दिखाई दे जाए तो उसकी अपनी यथाउचित भाव से आर्थिक हेल्प करने का प्रयास करें, दान करें, कल्याण होगा। व्हाट्सएप के माध्यम से लगातार हमारे पास समस्याएं आ रही हैं, हम उनका निदान अवश्य करने का प्रयास करते हैं। अभी उत्तर प्रदेश के बिजनौर क्षेत्र से अमित चौधरी जी का एक प्रश्न आया है और उन्होंने अपनी फैमिली की तस्वीर कहाँ लगाई जाए, ये समस्या पूछी है। वास्तु के अनुसार से आजकल बहुत सारे लोग काम करते हैं परंतु वास्तु का सही ज्ञान तो होता नहीं है। अब वो जानना चाहते हैं कि हम पूरी फैमिली का ग्रुप फोटोग्राफ कहाँ लगाएं। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि फोटो कहाँ लगाई जाए ये एक बहुत विचारणीय विषय है। हर जगह कोई फोटो लगा दी जाए उससे आपके जीवन में, ऐसा नहीं कि कहीं भी लगा दीजिए, आजकल जो इंटीरियर डिजाइनर होते हैं कहीं भी लगा देते हैं और आपको लग के अच्छा, परंतु हर चीज का प्रभाव है, हर एक्शन का एक रिएक्शन है। तो वास्तु के दृष्टिकोण से फैमिली फोटोग्राफ जो लगनी चाहिए उसकी दिशा कौन सी है जान लीजिए। उत्तर पश्चिम कोना जो है, खासतौर पर दक्षिण पश्चिम कोना जो है, वो खासतौर पर आपके लिए अति उत्तम माना गया है आपकी ग्रुप फोटोग्राफ के लिए। दक्षिण पश्चिम कोना जो है वो बड़ा श्रेष्ठ है। साउथ वेस्ट में खासतौर पर पारिवारिक संबंध को मजबूती प्रदान करने का केंद्र होता है, इसलिए संयुक्त परिवार की दक्षिण पश्चिम के कोने में यदि आप परिवार की फोटो लगाएंगे तो बहुत मजबूती आएगी।
अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से आज ऑफिस और सहकर्मियों में से कुछ विवाद होने के योग दिखाई देते हैं, उलझने बढ़ सकती हैं। आज अपने गुस्से को नियंत्रित करने का प्रयास करें, अन्यथा परेशानी बढ़ सकती है। आज व्यापार में भी कुछ नए सौदे होने से आपको खासतौर पर परहेज करने का प्रयास करना चाहिए। घर का माहौल अच्छा रहेगा, लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। माता पिता का आशीर्वाद दे लीजिए, उससे कल्याण के योग बनेंगे। जीवन साथी की सेहत को लेकर थोड़ा चिंतित रह सकते हैं। 8 नंबर आपके लिए शुभ रहेगा और जो काला रंग है आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। हनुमान जी को खासतौर पर गुड़ चने का भोग लगा दीजिए, जीवन में कल्याणकारी योग बनेंगे। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। संतान को लेकर थोड़ी चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं, थोड़ा सा निराशा उत्पन्न करती दिखाई दे रही है। कर्मचारियों को लेकर, जो आपके साथ कर्मचारी काम करते हैं, उनको लेकर कुछ अच्छी खबरें प्राप्त हो सकती हैं। व्यवसाय में आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। यात्रा के योग भी साथ साथ बन रहे हैं। परिवार का सहयोग आपको पूर्ण प्राप्त होगा। 6 अंक जो है आपके लिए शुभ रहेगा और गुलाबी रंग आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। उपाय एक कर लीजिए, इष्ट देव की, जो आपके इष्ट हो, परिवार के देवता हो, उनका विशेष तौर पर पूजन करें, उनका आशीर्वाद मिलेगा, कल्याण होगा। व्हाट्सएप के माध्यम से लगातार हमारे पास मैसेज आ रहे हैं और उन मैसेजों को भी हम साथ साथ ले लेते हैं। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश से पुष्पा विश्व भारती जी का एक मैसेज आया है और उन्होंने कहा है कि मांगलिक कार्यों में अड़चने बहुत आती हैं। जब भी वो कोई मांगलिक कार्य करने का प्रयास करती हैं, कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जीवन में एक समस्या वो कह लिखती हैं कि खत्म होती नहीं है कि दूसरी समस्या शुरू हो जाती है। ऐसी विडंबना जीवन में बनी हुई है। बहुत सारे लोग होते हैं उनके साथ इस प्रकार की परेशानी है। कोई उपाय जानना चाहते हैं, चिंता ना करें। आप सब लोग एक उपाय नोट कर लीजिए, हम आपको बताने जा रहे हैं। शुक्ल पक्ष में गुरुवार के दिन सुबह इत्यादि स्नान निकुंदी कर लें और पीले वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु के एक चित्र के समक्ष या काले खास तौर पे उनके शालिग्राम के श्री विग्रह के समक्ष जाकर एक आधा मीटर पीले रंग का एक रंग का कपड़ा रख लें और उसके जमीन पर बिछाकर उस पर 5 केले उपस्थित करें। चने की दाल की बर्फी बनी हुई जो होती है गुला के रखने का प्रयास करें। पीला सूत थोड़ा सा लंबा सा ले लें और केसर और एक गेंदे के पुष्प की माला, इन सब चीज़ों को एकत्र करें और लाल चंदन से केले के पत्तों पर विशेष तौर पर अपनी समस्या को लिखने का प्रयास करें। केले के पत्ते लाकर अपनी समस्या को लिखें और फिर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए उनके समक्ष उन चीज़ों को रखते हुए जहाँ रखिए वहाँ रख दें उस पत्ते को और धीरे धीरे कोशिश ये करें अगले दिन उठाकर उस सामान को नदी में प्रवाहित कर दिया करें। कुछ दिन करिए तो सही, भगवान को अपने समक्ष तो माने। देखिएगा आप जैसे से लिखकर उनके समक्ष रखेंगे, बृहस्पतिवार के बृहस्पतिवार ये पूजा करेंगे तो आपकी समस्या का कोई ना कोई निदान अवश्य देव कृपा के द्वारा प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज कैरियर में आगे बढ़ने का बेहतर मौका आपको मिलता दिखाई दे रहा है। व्यापार करते हैं तो खासतौर पर अतिरिक्त लाभ, कुछ एक्स्ट्रा जो इनकम है वो भी होती दिखाई दे रही है। आज बहुत दिन से फंसा हुआ धन जो है उसके मिलने की पूरी संभावना है, तो प्रयास कर लीजिए। जीवन साथी की वजह से थोड़ा सा गुस्सा आपके अंदर बढ़ सकता है, आपको दुखी कर सकता है, इसलिए एक उपाय कर लीजिए, वाणी पर संयम रखने का प्रयास करें। 8 अंक जो है वो आपके लिए शुभ रहेगा। नीला रंग आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। उपाय कर लीजिए, आपके समस्त संकट हटेंगे। आज शुक्रवार है, खट्टे फलों का दान कर लीजिए, स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज का दिन आपके लिए मध्यम फलदायी रहता दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य की चिंता थोड़ी सताती दिखाई दे रही है। आज यात्रा टाल दीजिए, अच्छा नहीं रहेगा। व्यवसाय में निवेश करना थोड़ा सा सोच समझ के करने का प्रयास कीजिएगा। पारिवारिक जीवन में स्थिति जो है वो सामान्य रहेगी और आज खासतौर पर परिवार और व्यवसाय में संतुलन बना के रखने का प्रयास कीजिए। दोनों को इम्पोर्टेंट स्थान मानने का प्रयास कीजिए। 1 अंक आपके लिए शुभ है, सुनहरा रंग आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहेगा और भगवती महालक्ष्मी की आराधना करें श्री सूक्त के द्वारा या मखानों का भोग भगवती महालक्ष्मी को लगाएं, देखिए कल्याणकारी योग बनेंगे। अब समय हो गया है स्वप्न विज्ञान के बारे में बात करने का। सबसे ज्यादा व्हाट्सएप हमारे पास इसी संबंध में आते हैं और लोग अनेक अनेक प्रकार के स्वप्न के बारे में बात जानना चाहते हैं, हम उनको निदान भी देते हैं। तो अभी उत्तराखंड से चमोली जिले से अंजलि रावत जी लिखती हैं, उन्होंने सपने में देखा हाथी और जानना चाहती है क्या संकेत मिल रहा है। देखिए सपने में गजराज हाथी के दर्शन होना अति शुभ संकेत है। वैसे तो जीवन में भी यदि गजराज दिखाई दे जाए तो खास तौर पर आपके जीवन में कल्याणकारी योग बनता है। श्री गणेश साक्षात उपस्थित हो जाते हैं, भविष्य में पदोन्नति मनचाही सफलता के योग अद्भुत बन रहे हैं, तो कोशिश करें श्री गणेश की आराधना करें और लक्ष्मी के साथ गणेश जी भी यदि आराधना कर लेंगे आज के दिन, देखिएगा बड़ा शुभ स्वप्न जो है आपके लिए कल्याणकारी साबित होगा। पानीपत से एक और व्हाट्सएप मैसेज आ गया है रवि चंदेल जी का और उन्होंने सपने में देखी कुछ खास बात। जी हाँ, उन्होंने सपने में देखा कि हुक्का पी रहे हैं
देखिए, सपने में हुक्का पीते हुए देखना किसी प्रकार भी शुभ नहीं है। नशे का सेवन करते हुए देखना शुभ संकेत नहीं हो सकता, इस बात को हम समझना चाहिए। आप सपने में शारीरिक कष्ट होने जो आप सब देखा है आपने, उसे आने वाले भविष्य में आपके रोग आपको परेशान कर सकते हैं, कष्ट होते दिखाई दे रहे हैं, मान सम्मान पे हानि पहुंचने के संकेत मिल रहे हैं, खासतौर पे आर्थिक तौर पे कुछ नुकसान होने के योग बन सकते हैं, तो तुरंत आप उपाय करने का प्रयास कीजिए। आप भगवान शंकर के मंदिर में जाकर उनका अभिषेक करें, कष्ट कम होंगे और अपनी जन्मपत्री किसी योग्य ज्योतिषी को दिखाएं। धनुराशि वालों, आपकी राशि में क्या कुछ बन रहे हैं योग जान लीजिए। व्यापारियों के लिए आज का दिन काफी चुनौतियों भरा पूर्ण दिखाई देता है, खासतौर पर यदि आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो पार्टनर के साथ कुछ अनबन हो सकती है, शांत होकर काम करने का प्रयास कीजिए। अपने शब्दों में से कटुता को निकालने का प्रयास करें, अन्यथा कार्य पर हानिकारक प्रभाव डाल सकते हैं वो शब्द, इस बात का ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। आज कुछ ऐसी चीजों की जरूरत होगी तो कि आप बहस में ना फंसे, आपके लिए अच्छा रहेगा। अंक 7 आपके लिए शुभ है, यानी 7 नंबर इज वेरी लकी फॉर यू। जो रंग सफेद आपके लिए अच्छा दिखाई देता है, शुभकारी दिखाई देता है, और यदि गणेश जी को मोतीचूर के लड्डू आप समर्पित करेंगे तो आपके लिए कल्याणकारी योग बनेंगे, मां अम्बे अवश्य कल्याण करेंगे। मां अम्बे करें कल्याण। अब हम जल्दी से व्हाट्सएप बात कर लेते हैं। एक किसी ने, राजेंद्र जी ने अपनी परेशानी लिख के भेजी है और कहते हैं कि उनका पेट फूलने की उनको बहुत शिकायत है, खाना खाते हैं तो पेट फूल जाता है, अपच की शिकायत होती है, गैस रिलीज भी नहीं होती है, उसके लिए क्या करें? चिंता ना करें, योग को अपनाने का प्रयास करें। योग भगाए रोग, पूरा विश्व अब जान गया है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे विश्व इंटरनेशनल योग डे के रूप में जो भारत की नीति थी योग, उसको पूरे विश्व में पहुंचा दिया। और देखिए कितनी सुंदर ऐप बनाती है, ये वज्रासन स्वयं प्रधानमंत्री जी करके दिखा रहे हैं हमारे। देखिए यशस्वी प्रधानमंत्री योग, किसी और देश का व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति ये काम करके दिखा सकता है? देखिए सुंदर व्यवस्था है, योग कर लीजिए, गोली की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वज्रासन है, नित्य प्रति सुबह शाम दोपहर खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं इस आसन को, तो सुंदर योग है, वज्र है नाम इसका, और आपके शरीर को वज्र के समान बना देगा। देखिए अपच की शिकायत भी दूर हो जाएगी, करिए नित्य प्रति, लाभ प्राप्त होगा। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा जान लीजिए। आज व्यापार के लिए कुछ खास निर्णय लेते दिखाई दे रहे हैं, परंतु सोच समझ के लीजिएगा। आर्थिक क्षेत्र में आज का दिन थोड़ा सा चुनौती भरा पूर्ण दिखाई देता है। आज घर की जरूरी सामान खरीदने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं, परंतु बजट में रहते हुए धन खर्च करने का प्रयास करें, कुछ बेकार के सामान भी आपके पल्ले पड़ सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ कुछ अनबन होने के योग है, विवाद ना बढ़ने दें, शांति से सुलझाने का प्रयास कीजिए। 7 अंक आपके लिए शुभ रहेगा, यानी 7 नंबर इज वेरी लकी फॉर यू। और साथ साथ शुभ रंग आपके लिए क्रीम दिखाई देता है, तो क्रीम शर्ट पहन लीजिए, क्रीम कपड़े पहन लीजिए, कल्याणकारी योग बनेंगे। आज चावल का सेवन मत कीजिएगा, एकादशी है, और भगवान विष्णु का स्मरण करें। बात कर लेते हैं, अभी एक हमारे पास व्हाट्सएप मैसेज आ गया है गोविंद जायसवाल जी का, और उन्होंने अपनी एक निजी प्रॉब्लम लिख के भेजी है कि उनकी स्किन में थोड़े से रैशेज हो गए हैं, आप उनके हाथों में एक रूखापन सा आ गया है और हथेलियां ऐसी दिखाई देती हैं कि फटी फटी, बहुत इलाज करवा लिया है, कुछ लाभ नहीं हो रहा है, जानना चाहते हैं कोई मुद्रा है कि इस बारे में? बिल्कुल है मुद्रा, मुद्राएं अनेक रोग ठीक कर सकती हैं, और आपको हम बताने जा रहे हैं आपकी त्वचा को ठीक करने के लिए कौन सी मुद्रा का आप प्रयोग कर सकते हैं। जब आपके, आपने कहा ना रूखा रूखा हो गया है, तो आपके स्किन के अंदर, जब शरीर के अंदर जल तत्व की कमी हो जाती है, इस प्रकार के योग बन जाते हैं। तो ये वरुण मुद्रा है, लास्ट की उंगली को अंगूठे के अग्रभाग से लगाने से ये वरुण मुद्रा बन जाती है। और देखिएगा, पानी का इस्तेमाल भी सही करने का प्रयास कीजिए, और दूषित पानी से बचने का प्रयास कीजिए, इससे आपको लाभ प्राप्त होगा, आपकी ये समस्या है रूखेपन की, शरीर में जो खुश्की आ गई है उसे ठीक होने के योग बन जाएंगे। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा जान लीजिए। आज भावनात्मक रूप से थोड़ा कमजोर महसूस करते दिखाई दे रहे हैं, कोई पुरानी बातें मन को बेचैन कर सकती है, नेगेटिव सोच विचारों को दूर करने का प्रयास कीजिए और उसी से आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो परेशानी बढ़ जाएगी, जीवन में कष्ट होने के योग दिखाई देंगे। कुछ उपाय हैं उनको कर लीजिए, जीवन साथी के साथ थोड़े मतभेद हो सकते हैं, थोड़ा शांत रहकर अपने आप नियंत्रण करने का प्रयास कीजिएगा। 5 अंक आपके लिए बेहद शुभ है, फिरोजी रंग आपके लिए लाभकारी रहेगा, और उपाय जो कल्याणकारी रहेगा वो है लाल गाय को अपनी सामर्थ्य के अनुसार चारे में थोड़ा जौ खिलाने का प्रयास कीजिएगा, देखिएगा पारिवारिक समस्या बिल्कुल गायब हो जाएंगी, मां सब हर लेंगे, ये छोटा सा उपाय है, कर लीजिए। अंत में बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए थोड़ा सा भारी दिखाई देता है, आज आवेश में कुछ गलत फैसले ले सकते हैं, व्यापार में भी नुकसान होने के योग दिखाई देते हैं, किसी पड़ोसी से मतभेद होते दिखाई दे रहे हैं, आज सेहत की चिंता थोड़ी सता सकती है, संतान पक्ष के लिए शुभ समाचार प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। 3 अंक आपके लिए शुभ है, और खासकर केसरिया रंग आपके लिए चमत्कारिक लाभ होता दिखाई दे रहा है, और मंदिर में किसी सफाई कर्मचारी की सेवा करने का प्रयास कीजिए, उनको अपनी सामर्थ्य के अनुसार से कुछ दान दीजिए, देखिएगा आपके लिए कल्याणकारी योग करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं, अंत में चलते चलते हेल्दी टिप के बारे में।
जायफल। देखिए उपयोग तो आपने करके देखा होगा, मसालों में तो माता जी नित्य प्रति डालती हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने इसके लाभ को देखते हुए हमारे नित्य प्रति किसी प्रकार सेवन हो जाए उसके लिए हमारे यहाँ व्यवस्था बना दी। मालिश, तेल मालिश के अंदर बच्चों की यदि मालिश की जाए तो हड्डियां मजबूत बनती हैं जायफल के द्वारा। पेट में दर्द हो जाए बच्चे के तो जायफल को रगड़ के पेट पे लगा दीजिए, उससे अद्भुत रूप से लाभ प्राप्त होगा। यदि आप कुछ बातें भूल गए हैं तो YouTube पे दोबारा जा सकते हैं और इस प्रोग्राम को देख सकते हैं, आपको देखिएगा उस सब के द्वारा लाभ प्राप्त होगा। हर रोज हम आपके समक्ष आते हैं और बहुत सारे विषय लेके आते हैं। यदि आप भी किसी विषय के संबंध में जानना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से वो सुझाव भेज सकते हैं, हम उनके अनुसार भी कार्यक्रम में आपके प्रश्नों को सम्मिलित करने का प्रयास करेंगे। कल फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नाथ।